Какво делают? So cute. Right. Да, да. Хорошо? यहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्टल D4 है, इसलिए D4 बेस्ट हॉस्टल है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े रूम है, बड़े बड़े कॉरिडोर है, इंडियन टॉयलेट है, बेस्ट बाथरूम और वाईफाई स्पीड यहाँ की, वाईफाई स्पीड यहाँ पर चलता है 200 Mbps, 4 डंबल्स है और बाकी सब जो हॉस्टल है वो सब बेस्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दूंगा हॉस्टल रिव्यू। ये D4 हॉस्टल है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये अपने आसपास की लोकेशन है और ये अपना एंट्री गेट है। ये जैसे कि देख सकते हैं ये मेस है, सेल्फ स्टडी करते हैं लोग यहाँ। और ये यहाँ का टॉयलेट है, ये अपना बेसिन है, टॉयलेट का रिव्यू ऊपर देखो। ये अपना लास्ट फ्लोर है, ये देखिए जैसा कि ये बाथरूम है बिल्कुल लग्जरी वाला, और ये अपना इंडियन टॉयलेट है। सॉरी माफ करिए अगर आप टॉयलेट नहीं देखना चाह रहे थे, तो ये अपना गीजर है, गर्म पानी आता है। सबसे बेस्ट हॉस्टल D4 है, इसलिए D4 बेस्ट हॉस्टल है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बड़े रूम है, बड़े बड़े कॉरिडोर है, इंडियन टॉयलेट है, बेस्ट बाथरूम और वाईफाई स्पीड यहाँ की, वाईफाई स्पीड यहाँ पर चलता है 200 Mbps, 4 डंबल्स है और बाकी सब जो हॉस्टल है वो सब बस ऐसे ही नॉर्मल। और आपको टॉयलेट करने में कोई प्रॉब्लम? टॉयलेट करने में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा और बाकी सब टॉयलेट का दो बाई दो का रूम बना हुआ और उसमें अक्सर आगे तो। और ये जो है इस हॉस्टल से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जैसे कि रूम है ये 4 room-seater और बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए जैसा कि भाई ये देख सकते हैं, आपको मज़ा आ रहा है इस हॉस्टल में? बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा है हॉस्टल भाई? बहुत बढ़िया भाई, मज़े आ रहे हैं। और ये रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है स्पेस? नहीं, यहाँ पर स्पेस की भी कमी नहीं है और कबूट मिला है और रहने की सारी सुविधाएं हैं और बाथरूम यहाँ का काफी अच्छा है और इंडियन टॉयलेट है ना यहाँ पे, मैं सुना हूँ इंडियन टॉयलेट। और अपने D3 जो हॉस्टल है उसमें इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं और शावर भी नहीं है, मतलब कि वहाँ आपको बैठ के डिब्बा लेके बैठना है। लेकिन D4 में आपको सब कुछ इंडियन मिलेगा और सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा और शांति है, पढ़ाई का माहौल है। और ये खिड़की उड़की से क्या मतलब कोई मच्छर उच्छर तो नहीं आता है? नहीं नहीं, यहाँ पर इतना ठंड है कि यहाँ पर मच्छर वच्छर की कोई बात ही नहीं होगी। आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, यहाँ से खुल जाता है, इससे थोड़े ठंडे हवा आ जाते हैं रूम में। नहीं सही है, हीटर लगा है। हीटर काम करता है यहाँ का? जी बहुत अच्छा काम करता है। और वाईफाई बहुत अच्छा है यहाँ का, सब कुछ व्यवस्था है। और भाई पबजी चलता है यहाँ पे? चलता, लेकिन हम लोग नहीं करता भाई, पबजी नहीं चलाते। हम लोग पढ़ाई करने आए हैं, या हम लोग डिग्री लेके जाएंगे और पढ़ने के। और बाकी ये लड़कों के लिए सेफ है ये हॉस्टल? बिल्कुल अच्छा है। रात में खुला रहता है कि बंद हो जाता है हॉस्टल? नहीं, आप लीगली अगर देखें तो बंद कर देते हैं, जो कि अच्छा है। हाँ, ताकि आप रात में बाहर घूमे ना, फिरे ना, लोकल परेशान ना करें आपको। ये पहले से सुधर गया अपना उस? बहुत सुधरा है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है, पढ़ाई का माहौल है, सब पढ़ते हुए मिलते हैं और क्या चाहिए अपने को। नहीं ये है। और कॉलेज वॉलेज जाने में कोई ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं हॉस्टल? जस्ट आगे हमारा हॉस्टल है, पीछे है, समझ लीजिए आप। या और ये हमारा रूम है और ये कवर्ड है, इन लोग का बहुत बड़ा कवर्ड है, पर पर्सन एक कवर्ड है, चार लोग हैं, चार कवर्ड देख सकते हैं। और ये हमारे रूममेट भाई हैं, ये हरियाणा के हैं, ये राजस्थान। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई। मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम विनीत है, हरियाणा में करनाल से हूँ मैं, तो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑडियंस को बोल रहे हैं आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम राजू रतन शर्मा, मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से। या फर्स्ट ईयर है ना आपका? जी जी मैं फर्स्ट ईयर में। और आपका नाम? राजस्थान से है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में, कोई फ्लाइट फ्लाइट की दिक्कत कुछ भी? और एक मेरा भाई है जौनपुर का है, मेरे बगल का ही है। हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद। और ये मेरे बगल का ही है, जौनपुर का ही है, और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, सभी सबको जानते हैं और माहौल अच्छा है यहाँ पर। अभी हम लोग किसी जानते नहीं, लेकिन सब ग्रुप के में। अरे वो धीरे धीरे आप लोग जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे मैं भी हूँ, कोई दिक्कत हुई मेरे भी सीनियर यहाँ पे हैं, आपके भी सीनियर होंगे कोई ना कोई, क्योंकि कोई ना कोई सीनियर के थ्रू ही आता है। बाकी ओस बाजार का भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपको देखना हो ओस बाजार, और ये सिम कैसे लेना है, स्टूडेंट सिम, ये सब डाला हुआ है मैंने। जिम भी कैसे, जिम कितने का है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग जो इंडिया से आते हैं उनको पता नहीं चलता है कि कैसे कहाँ क्या। हाँ, आपको ये भी नहीं पता, अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको डायरेक्ट फ्लैट में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हॉस्टल कंपलसरी नहीं। कहना चाहता हूँ कि आपका ब्लॉग देखने के बाद लोग यहाँ की माहौल को समझेंगे
और जैसे भी कोई दिक्कत हो रहा तो उसके मेरे जैसे 4000 सब्सक्राइबर है, मेरा मोटो पैसा कमाना नहीं है, मेन है कि ऑडियंस को इकट्ठा करना और उनको रियल जो रियलिटी है वो दिखाना। अभी आप यूक्रेन को देख लीजिए, अभी वहाँ पर हाँ, यहाँ देखिए यहाँ कोई डिग्री चाहिए मेन अपना, और डिग्री यहाँ पे आपको बेफिक्र होइए, पैसा थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपकी डिग्री सेफ है और नेक्स्ट आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है ट्रिप लैडर मैरो लाइक? अभी तो नहीं लिया है, पढ़ाई अच्छी हो रही हाँ। है और अपने से ही पढ़ाई करते हैं हम लोग। नहीं जरूरी है हाँ। बुक्स लाए हैं इंडिया से? बुक्स लाए हैं, पीडी चौरसिया का लाए हैं, विक्रम सिंह का लाए हैं हाँ। अभी तो एनाटॉमी चल रहा है और बेसिकली जो सब्जेक्ट यहाँ पर चलते हैं लैंग्वेज के और हिस्ट्री या किर्गिस्तान यहाँ के बारे में जानना होता है जो कि जरूरी है हाँ, वो जरूरी है क्योंकि आप लोकल में, और रशियन लैंग्वेज में सुना फर्स्ट सेमेस्टर के बाद खत्म हो जाएगा हाँ, जो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि सब मेडिकल की सब्जेक्ट्स हैं। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा। आए रे मन हसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों जाऊत ककवा जाऊत ककवा जाऊत सो क्यूट राइट दादा खरोशो लोकल पीपल हैं यहाँ के, बहुत क्यूट हैं ये बच्ची और प्यारी है या दादा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना।